गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे वी विल डू एक्सरसाइज 12B, पेज नंबर 176 ऑफ योर मैथ्स टेक्स्ट बुक. पेज नंबर 176, 12B, वर्ड प्रॉब्लम्स. आंसर द क्वेश्चंस ऐड और सब्ट्रैक्ट. मीन्स यू हैव टू डिसाइड वेदर यू हैव टू ऐड और सब्ट्रैक्ट. दीपक हैज़ ₹20. हाउ मच मोर मनी डज ही नीड टू बाय दिस चॉकलेट. मीन्स देखो उसके पास ₹20 है और चॉकलेट का जो प्राइस है वो कितना है, ₹28 है. तो कितने और पैसे चाहिए चॉकलेट लेने के लिए. तो क्या करेंगे, 28 माइनस 20. 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8. 8 में से 0 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 8. एंड 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. मतलब ₹8 और चाहिए उसको. दीपक नीड्स ₹8 मोर टू बाय द चॉकलेट. चॉकलेट खरीदने के लिए उसको ₹8 और चाहिए. सुप्रीति गेव द शॉपकीपर ₹20 फॉर द आइसक्रीम. मतलब सुप्रीति ने ₹20 आइसक्रीम के लिए दिए हैं. हाउ मच मनी डिड शी बैक. और देखो आइसक्रीम का प्राइस कितना है, ₹12 है. उसने ₹20 दिए हैं तो उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे. तो क्या करेंगे, 20 माइनस 12. 0 में से 2 नहीं जाएगा, 1 बोरो करेंगे, ये हो जाएगा 10. 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8. 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. मीन्स ₹8. तो शी गॉट ₹8 बैक. मतलब शॉपकीपर उसको ₹8 वापस देगा. सी अजीता बॉट दीज गिफ्ट फॉर हर फ्रेंड्स. अपने फ्रेंड्स के लिए उसने गिफ्ट खरीदी. हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड. एक गिफ्ट उसका ₹48 का आया, दूसरा गिफ्ट उसका ₹36 का आया. तो कितना उसने स्पेंड किया, कितना खर्चा किया गिफ्ट लेने में. सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस, वी हैव टू डू द एडिशन. हमको प्लस करना पड़ेगा बिकॉज हमको टोटल प्राइस निकालना है कि उसको टोटल कितने पैसे लगे. तो क्या करेंगे, 48 प्लस 36. 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14. 14 का 4 कैरी ओवर 1. 4 and 1 5 5 plus 3 is equal to 8. मीन्स 84. सो शी स्पेंड ₹84. 84 में उसके दोनों गिफ्ट आए. डी क्वेश्चन, राशि बॉट द आइसक्रीम, अंकिता बॉट द पेस्ट्री. राशि ने क्या की, राशि ने आइसक्रीम खरीदी, एक और फ्रेंड है अंकिता, उसने पेस्ट्री खरीदी. हाउ मच मोर मनी डिड अंकिता स्पेंड. तो हमको बताना है कि किसने ज़्यादा पैसे स्पेंड किया, किसने ज़्यादा खर्चा किया है. राशि ने आइसक्रीम ली है तो आइसक्रीम कितने की है, 18 की है. एंड पेस्ट्री कितने की है, पेस्ट्री है हमारी 23 की. सो राशि बॉट द आइसक्रीम. आइसक्रीम का प्राइस है 18, पेस्ट्री का प्राइस है 23. एंड वी नीड टू फाइंड हाउ मच मोर मनी डिड अंकिता स्पेंड. अंकिता ने कितना ज़्यादा पैसा खर्चा किया. तो क्या करेंगे, 23 माइनस 18 करेंगे. 3 में से 8 नहीं जाता, क्या करेंगे, कैरी ले लेंगे. 13 हो जाएगा. 13 में से 8 गया 5. 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0. मीन्स अंकिता स्पेंड ₹5 मोर. अंकिता ने क्या करी है, ₹5 ज़्यादा खर्चा करी है एज़ कम्पेयर टू राशि. बिकॉज आइसक्रीम 18 की थी, पेस्ट्री 23 की थी. तो ₹5 ज़्यादा अंकिता ने स्पेंड किया है एज़ कम्पेयर टू राशि. ई पार्ट, जहीदा बॉट अ बुक एंड अ पेंसिल फॉर ₹52. मतलब बुक और पेंसिल दो चीज़ें उसने खरीदी है ₹52 का. हाउ मच डिड द पेंसिल कॉस्ट. आपको पेंसिल की कॉस्ट निकालना है. बुक कितने की है, ₹42 की है. सो क्या करेंगे हम, टोटल बुक और पेंसिल मिला के ₹52 है. बुक अगर ₹42 की है तो क्या करेंगे, 52 माइनस 42. 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1. मतलब पेंसिल कितने रुपीज़ की है, हमारी पेंसिल जो है वो ₹10 की है. हमारी पेंसिल जो है ₹10 की है. हम क्या करेंगे, दोनों पेंसिल और बुक जो है, पेंसिल और जो बुक है वो ₹52 के आए हैं. बुक अगर ₹42 की है तो पेंसिल क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, 52 माइनस 42 कर देंगे. 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1. मीन्स द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज ₹10. सो टुडे यू हैव टू कम्प्लीट दिस पेज नंबर 176 मैथ्स टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 12B.